नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अटल भारत पे और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। झारखंड में गरीब और असहाय लोगों को आवास मुहैया कराने की दिशा में राज्य सरकार गंभीरता पूर्वक कार्य कर रही है, लेकिन झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास में लगातार धांधली होने का आरोप मुखिया संघ लगाते दिख रहे हैं। सोमवार को जिले के दर्जनों मुखिया साहिबगंज जिला मुख्यालय पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे सशक्त ग्राम सभा, इसी नारे को बुलंद करते हुए जिला मुखिया संघ ने सोमवार को एक 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन उपायुक्त को समर्पित किया। ज्ञापन के माध्यम से ग्राम सभा को विलोपित कर राज्य सरकार के जारी द्वारा अबुआ आवास योजना की सूची को रद्द करने की मांग की गई। कहा गया कि सरकार की ओर से जारी सूची में कई त्रुटियां हैं, जरूरतमंद लोगों की सूची में नाम सबसे नीचे है, सूची का प्रकाशन ग्राम सभा को विलोपित करते हुए किया गया है। अंतिम प्रतीक्षा सूची में मार्गदर्शिका के कंडिका 511 अनुच्छेद पालन नहीं किया गया है। अब आवास योजना की प्रकाशित अंतिम प्रतीक्षा सूची में समान आय वाले दो परिवारों में प्राथमिकता तय करने के लिए जिक्र तो किया गया है, लेकिन दो से अधिक समान आय वाले लोगों के लिए प्राथमिकता तय करने का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। कहा गया है कि जिन पंचायत में आदिम जनजाति की संख्या है, वहां संथाल जनजाति के लोगों को आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में काफी नीचे रखा गया है, जिससे अधिक जरूरतमंद होने के बावजूद भी उनको आवास का लाभ समय से नहीं मिल सकेगा। मांग किया कि अबुआ आवास योजना के लिए चल रहे जियो टैगिंग कार्य को अभिलंब रोका जाए। मौके पर मुखिया संघ के मोहम्मद इख्तियार, सुनील सोरेन, कंचन मंडल, बबीता देवी, पोलूस मुर्मू समेत कई लोग मौजूद थे। महत्वाकांक्षी योजना है वो आवास, जिसको लेके हम लोग भी काफी उत्साहित थे कि हम लोग 2 साल से प्रधानमंत्री आवास नहीं आ रहा, तो हम लोग जो योग्य लोग है वो लोगों को हम लोग चयन करेंगे। हम लोग बहुत मेहनत करके जाँच वगैरह किए, बहुत कम समय में, चूँकि बहुत लोगों का कारण था। लेकिन अब वो आवास का जो अंतिम प्रतीक्षा सूची प्रकाशित हुआ, उसमें पूरे झारखंड में ये मामला इस तरह का आ रहा है कि ग्राम सभा के माध्यम से जो सूची प्राथमिकता वरीयता के आधार पर जो सूची दिया गया बना के कि भाई जिनको अभी तत्काल ज़रूरत है उनको पहले नाम रहे, उनको दरकिनार कर दिया गया है। उसके अलावा सरकार की जो मार्गदर्शिका है और संकल्प है, उसके जो प्रावधान है कि जिनमें परित्यक्त महिलाओं, एकल महिलाओं, विकलांग परिवार वाले महिलाओं को जो प्राथमिकता देने के बाद समान अंक पे उन्होंने कहा है अपने संकल्प में, अपने मार्गदर्शिका में, ये सूची से वो भी अनुपालन परिलक्षित नहीं हो रहा, नहीं दिख रहा है वैसा। इसके अलावा कहा गया कि उसके बाद अगर फिर अगर सेम स्कोर में और बहुत सारे लाभुक होंगे तो उम्र के हिसाब से होगा, तो उनकी वो भी अनुपालन नहीं हुआ, उम्र के हिसाब से भी ये सूची नहीं बना है। दूसरी बात है कि 15 साल पंचायती राज के हो गए, दिन ब दिन पंचायत और सशक्त होना चाहिए। मेरा नाम बबीता देवी, प्रखंड राजमहल, लाल माटी पंचायत। हम लोग का समस्या है कि जो अभी सरकार ने अबुआ आवास योजना जो चला रही है और जो योग्य लाभुक को हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। सरकार यहाँ कहती है कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, और ग्राम सभा को भी दरकिनार कर रही है और हम लोग योग लाभुक को नहीं दे पा रहे हैं वो आवास जो विकलांग को और विधवा जिनको भी प्राथमिकता देना है उसके अनुसार हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग को सभी तरह से जो है दरकिनार किया जा रहा है। को जोहार, मेरा नाम एलिजाबेथ बेसरा है, मैं बरहवा प्रखंड से। मैं हम लोग यहाँ डीसी सर से मिलने आए हैं विशेष अबुआ आवास को लेके, जो कि जिस हिसाब से सूची बनाया गया है उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक पंचायत में, जिला के विभिन्न पंचायत में जो भी हैं कि जिनको ज़्यादा ज़रूरत है आवास का उनका नाम पीछे है और जिनको कम ज़रूरत है उनका नाम आगे है। इस विषय पर हम लोग सर से मिलने आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये सारा चीज़ का समाधान हो, और क्योंकि हम लोग एक उम्मीद लेके और एक उद्देश्य लेके हम लोग पंचायत में मुखिया बने हैं, ताकि हम लोग सभी जितने भी ग्रामीण हैं सबको हम लोग लाभ दे सके।